हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं रश्मि और आप मेरे साथ देख रहे हैं जायका रसोई। तो आज मैं बनाने जा रही हूं बेरहम चिकन, जो ना आपने कहीं सुना होगा और ना ही आपने कहीं खाया होगा। तो बेरहम चिकन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आइए देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन ले लिया है, जिसे मैंने धोकर साफ कर लिया है। और मैंने यहाँ लिया है हरी मिर्च 7 से 8 साबत, और थोड़ी सी मैंने काट ली है जो गार्निशिंग के काम आएंगी। 1 चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च पाउडर, 100 ग्राम मैंने यहाँ लिया है दही, 1/2 लहसुन जिसे मैंने कूट लिया है, जब हम चिकन को फ्राई करेंगे तब वो उसमें छीटा लगाने के काम आएगा, और 2 चम्मच मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 5 बड़े टमाटर जिन्हें मैंने रफली काट लिया है और उन्हें मैंने पहले छील लिया है, इनका छिलका हटा दिया है, और मैंने 1 अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, जिसे हम आधा चिकन में डालेंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। और मैंने ली है यहाँ पर अमूल फ्रेश क्रीम, जिसे मैं 3 से 4 चम्मच यूज़ करूँगी, और लिया है मैंने अमूल मक्खन, जो कि 150 ग्राम लूँगी मैं यहाँ पर। और सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, चिकन को जब हम फ्राई करेंगे तो उसको हम तेल में फ्राई करेंगे, तेल हटाकर फिर हम मक्खन यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है, और तेल इसलिए गरम किया है क्योंकि हम तेल में चिकन को फ्राई करेंगे, बाद में इस तेल को हम निकाल देंगे और फिर मक्खन यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्राई करने के लिए हमें तेल चाहिए था। तो हम सबसे पहले चिकन डाल लेते हैं। चिकन को हमें लाइट ब्राउन करने तक फ्राई करना है, फिर उसके बाद हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे और फिर मक्खन यूज करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं चिकन को भूनते हुए, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक हमें थोड़ा कम ही रखना है क्योंकि मक्खन में भी नमक होता है, तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच यूज कर दूँगी। अब हम इसको 6 से 7 मिनट तक और फ्राई करेंगे। नमक डाल के हमने 2 मिनट तक और भून लिया है। अब हम इसमें लहसुन का छीटा लगाएंगे, जो कि हमने ये लहसुन पिसा हुआ रखा था। इससे क्या होगा, जो मुर्गे की स्मेल है वो दूर हो जाएगी, खाएगी नहीं। भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो कढ़ाई कर ली है हमने खाली। अब हम इसमें दोबारा से चिकन डाल देते हैं। चिकन पहले इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारा मक्खन है, जब हम गर्म कढ़ाई में डालेंगे तो वो उड़ जाएगा, तो इसलिए पहले हम चिकन डाल रहे हैं फिर इसमें मक्खन डाल रहे हैं। ये हमने मक्खन डाल दिया है। कम से कम हमने यहाँ 100 से 150 ग्राम मक्खन लिया है। अगर हमें बाद कम लगेगा तो हम बाद में और भी डाल सकते हैं। फ्लेम कर दिया है हमने फास्ट। मक्खन हमारा मेल्ट हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर। अब हम इसको थोड़ी देर ढककर पकाएंगे, 2 से 3 मिनट। चिकन को हमने ढक के 4 से 5 मिनट पका लिया है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। अब बस इसको हमें खोलकर ही पकाना है, अब नहीं ढकना है। और ये जो टमाटर है हमको तब तक भूनना है जब तक ये टमाटर बिल्कुल इसमें मैश नहीं हो जाते।
इसीलिए हमने इनका छिलका भी उतार दिया था ताकि ये अच्छे से मैश हो जाएं, और वैसे भी छिलका बीच में आते हुए बुरा लगता है। थोड़ा मक्खन मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ, मुझे थोड़ा यहाँ पर कम लग रहा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फेंटा हुआ दही और 4 चम्मच हमने यहाँ पर क्रीम ली है उसको भी ऐड कर देंगे और डाल देंगे काली मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे, इसको जितना ज़्यादा भूनेंगे उतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी, बस इसकी भुनाई ज़्यादा चाहिए। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी कटी हुई अदरक, इसको हमें तब तक भूनना है जब तक हमारा मक्खन ऊपर ना आ जाए। और देखिए मक्खन ऊपर आ चुका है, हमारा बेरहम चिकन तैयार हो चुका है, एकदम खाने के लिए रेडी है। और हाँ दोस्तों एक बात और बता दूँ आपको, इस चिकन को हमें कढ़ाई में ही बनाना है, कढ़ाई में बनाने का इसका मज़ा ही कुछ और है। तो आप मुझे बताइए मेरी आपको रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।